कर्नाटक का एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा था वो एग्जामिनेशन में बहुत से स्टूडेंट ब्लूटूथ यूज करे, इस दौरान पुलिस पकड़ने के बाद पता चला है कि ये एग्जामिनेशन में कलबुर्गी नहीं सारे कर्नाटक में ये कांग्रेस के बहुत से लीडर अपने एजेंट के और से ये धंधा कर रहे हैं। तो आज हम लोग डीसी ऑफिस में मेमोरेंडम दिए हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इसका हम विरोध में रैली निकालने वाले हैं, सिर्फ हमारे जिला नहीं पूरे कर्नाटक में। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। गुलबर्गा ही नहीं सारे कर्नाटक में जो कर्नाटक का एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा था वो एग्जामिनेशन में बहुत से स्टूडेंट्स ब्लूटूथ यूज करे और ब्लूटूथ का दायरा जो क्वेश्चन पेपर आउट होके एग्जामिनेशन सेंटर से सिर्फ एक 100 मीटर के दायरे में बैठकर वो क्वेश्चन को आंसर कर रहे थे। इस दौरान पुलिस पकड़ने के बाद पता चला है कि ये एग्जामिनेशन में कलबुर्गी नहीं सारे कर्नाटक में ये कांग्रेस के बहुत से लीडर अपने एजेंट के और से ये धंधा कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि लास्ट टाइम जो PSI का जो स्कैम हुआ था पूरे कांग्रेस लीडर कर्नाटक में पूरे शोर जोर से चिल्ला रहे थे कि ये एग्जामिनेशन ब्लूटूथ का स्कैम हुआ है, लेकिन उस स्कैम में देखा गया तो उनके ही कांग्रेस के लीडर के भाई RD पाटिल का बहुत बड़ा हाथ था। और इस इलेक्शन में भी जो हमारे इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे जी लास्ट टाइम PS के स्कैम को पूरा थ्रोट स्टेट में चिल्ला कर कह रहे थे कि ये इसमें BJP का हाथ है, होम मिनिस्टर का हाथ है, लेकिन BJP सरकार का हमारी होम मिनिस्टर जिस दिन इसके बारे में पता चला उसी दिन ऑर्डर कर रहे थे कि ये फ्री एंड फ्रैंक इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि IPS के बड़े बड़े ऑफिसर जो DG ADGP के लेवल के भी लोग इसमें शामिल थे वो सब लोगों को अरेस्ट करके उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन ये KE अथॉरिटी के जो एग्जामिनेशन में आप देख चुके हैं कि फिर दोबारा एक कांग्रेस के सपोर्टर्स जो कांग्रेस के लीडर के भाई RD पाटिल पकड़ा गया। तो इसमें ये एग्जामिनेशन से पहले 13 दिन पहले हमारे इंचार्ज मिनिस्टर और सरकार को पता चला था कि ऐसे बड़ा स्कैम होने वाला है, फिर भी ये लोग चुप बैठे क्योंकि ये लोगों का इसमें पूरा मिलीभगत था। तो आज हम लोग DC ऑफिस में मेमोरेंडम दिए हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इसका हम विरोध में रैली निकालने वाले हैं, सिर्फ हमारे जिला नहीं पूरे कर्नाटक में इसके विरोध में बड़े बड़े रैली करने वाले हैं। और इसमें जो भी शामिल है वो अरेस्ट होना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए और फ्री एंड फ्रैंक एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन का इतना उनको भरोसा रहता है कि हम सरकारी नौकरी मिलना, और बहुत से गरीब बच्चे आप देखिए गार्डन में बैठ रहे, कई मंदिर के कई उनको बैठने को पढ़ने के लिए लाइट नहीं है, ऐसी सिचुएशन में पढ़ के वो तैयारी करके आने के बाद ये सब ब्लूटूथ से उसको आंसर कर रहे हैं। और ये लोगों को जो गरीब और जो काबिलियत स्टूडेंट्स हैं उनको इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके बारे में हम और एक बहुत बड़ा रैली और प्रतिभटन करने वाले हैं। थैंक यू। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।